कठुआ के डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने इंटर कॉलेज पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जीतने की खुशी पर आज कॉलेज प्रशासन की तरफ से उनके सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता टीम की छात्राओं को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल आशाराम शर्मा ने खिलाड़ियों को सम्मान देते हुए कहा कि छात्राओं ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया है, वहीं छात्राओं ने भी इस जीत की खुशी का इजहार भी किया। हमने वुमेन पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप खेली है अभी और हमने ओवरऑल टॉप किया है और कॉलेज के लिए ट्रॉफी भी लाई है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें सपोर्ट किया है वो हमारे फिजिकल डायरेक्टर और शेखर सर और बलविंदर सर उन्होंने और प्रिंसिपल सर ने और साथ में मेरे मतलब जो टीम है तो वो किया है। क्या मैसेज देंगे बाकी गर्ल्स को? यही मैसेज देंगे कि कॉलेज में जो भी कंपटीशन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, इससे आपकी सेल्फ स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, फिटनेस इम्प्रूव होती है और आप कॉलेज के लिए भी कुछ ना कुछ अचीव करते हो। ये कंपटीशन कहाँ हुआ है? ये कंपटीशन हुआ था जम्मू यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में। एक दिन की टूर्नामेंट थी और इसमें बड़े कॉलेजेस थे और हमने ओवरऑल अचीव किया है। बच्चे तो बॉयज़ तो लाते ही रहे ट्रॉफियाँ, लेकिन आज इन लड़कियों को खुश होते देख करके मुझे बेहद खुशी हो रही है कि बच्चियों ने भी अपना जौहर दिखाया है और ये साबित कर दिया है कि ये किसी से भी कम नहीं है। अगर इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो ये हमारे लड़कों से कम नहीं है। पावर लिफ्टिंग जो है उसमें ये ट्रॉफी लेकर के आई हैं हमारी कॉलेज की बच्चियाँ जो हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आगे भी जो हमारी तरफ से सपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फिजिकल डायरेक्टर साहब जो कर रहे हैं वो तो सपोर्ट इनको और ज़्यादा मिलती रहेगी, लेकिन बच्चे जो हैं या परफॉर्म करते हैं तो हमारा भी सीना जो है वो खुशी से फूल जाता है, सर गर्व से ऊंचा होता है कि और ये चीज़ इन्होंने साबित कर दी है हमारी लड़कियों ने कि ये लड़कों से किसी तरीके से भी कम नहीं है। हम इनकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और आइंदा भी आगे। आपको मैं बता दूं कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस साल उन्होंने नया नया शुरू किया हुआ है जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम जो जोन बना हुआ है इंट्रा जोनल हम करने वाले हैं, 13 से 18 तक हमारा प्रोग्राम है, उसमें DC साहब चीफ गेस्ट होंगे, उद्घाटन होगा 13 तारीख को, गेमें चलेंगी, तो 13 से 18 तक हमारा वो जो मेगा इवेंट चल रहा है, पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, सभी हमारे जो 9 कॉलेज हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसके लिए फिक्स्चर्स बना लिए हैं, सब तैयारी हो गई है। तो मैं आप मीडिया वाले दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इवेंट को भी जैसे आप पहले सहयोग देते आए हैं और कवर करते आए हैं हमारे इवेंट्स को, इसको भी कवर करना अच्छे तरीके से। और मैं ये चाहूँगा, हमारी सबकी ये कोशिश है कि ये जो जोनल लेवल पर हो रहा है इसके बाद डिवीजन लेवल पर होगा, जम्मू में सारी टीमें जीती हुई टीमें उधर जाएंगी, तो वहाँ भी ये हमारे बच्चे जो हैं ये जौहर दिखाएं अपना और शानदार प्रदर्शन करें, उसमें से ट्रॉफी जीत करके लाएं, तो ये बेहद ही खुशी है का मौका है हमारे लिए। कठुआ से अमित बान, अलर्ट इंडिया न्यूज़।